गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे विल बी कंटिन्यूंग विद अ चैप्टर ऑफ टेंस फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर बुक ठीक है हमने आई थिंक लास्ट क्लास में सारे टेंसेस के फार्मूला चार्ट पढ़ा था एक तो मैंने आपको टेबल बताई थी वो जो मैंने बोला था पढ़ के भी रखनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आपको वो समझ आ गई है तो आपको ऑलमोस्ट टेंसेस समझ आ गए हैं ठीक है मैं एक बार याद दिला देती हूँ कि हमने मैंने कौन से वाले उसकी बात की थी टेबल की इस सारी टेबल की आज हम प्रेजेंट टेंस हमने लास्ट टाइम कर लिया था उसके यूजेस कर लिए थे हमने एक्सरसाइज करी थी आज हम पास्ट और फ्यूचर दोनों करेंगे पहले पास्ट करने से पहले आई वॉन्ट कि तुम लोग एक बार ये चार्ट जो दे रखा है उसमें से पास्ट का पढ़ लो फिर में हम उसके यूजेस पढ़ेंगे पास्ट टेंसेज़ के एंड देन विल डू द एक्सरसाइजेज अगेन फिर हम फ्यूचर के साथ भी ऐसे ही करेंगे ठीक है तो आप देखो इसको मैं थोड़ा टर्न कर देती हूँ ताकि तुम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आए इसमें पास्ट सिंपल पास्ट पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट इज सेम थिंग सब्जेक्ट लेते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेते हैं कौन सी फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिड लिया सब्जेक्ट लिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब इसी को आप इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क नेगेटिव मतलब डू नॉट बेसिकली नॉट आ जाता है उसमें मतलब नहीं नेगेटिव आ जाता है तो ये डू तो आ रहा था आपका उसमें प्रेजेंट में यहाँ पे डिड आएगा डिड नॉट आएगा इस वाले में देखो यहाँ डिड आया सब्जेक्ट आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई इंटेरोगेटिव में यहाँ सब्जेक्ट आया डिड नॉट आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो मतलब सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है अदरवाइज सब में वी वन है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डिड सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी वॉज वर आया इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस आई एन जी फिर अगेन सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट नेगेटिव है ना तो नॉट आ रहा है वी वन प्लस आई एन जी वॉज वर्ग प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यह आपका हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव पास टेंस पास परफेक्ट में वी हैव वर्क की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस हैड यहां वाज वर आ रहा था इधर आएगा हैड वर्क की थर्ड फॉर्म इधर इंटेरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म इधर सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म देन हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म पास परफेक्ट में हमेशा वर्क की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में सब्जेक्ट हैड बीन बीन आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी सिंस या फॉर हमेशा आता है मैंने बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा सिंस या फॉर आता है हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी सिंस फॉर सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी सिंस फॉर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी सिंस फॉर एंड क्वेश्चन मार्क सब में क्वेश्चन मार्क आता है इंटेरोगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी सो so, ये हमारा पास्ट वाला पोर्शन था जो हमें देखना था जो हम देख चुके हैं अब हम आएंगे इस प्रेजेंट पास्ट के यूजेस पे देन वील मूव टू द एक्सरसाइजेस जो तुम लोग को करनी है एंड देन वील डू फ्यूचर टेंस ठीक है आज ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे तो सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस कहाँ होते हैं टू शो अ पास्ट हैबिट जब हम कोई पास्ट की कोई हैबिट बताते हैं तब यूज़ होते हैं जैसे कि टू शो अ पास्ट हैबिट ये पहला है जिसमें कि आप बता रहे हो शी वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक डेली मतलब वो सुबह की वॉक के लिए रोज जाती थी शी ऑलवेज वोर साड़ीज वो हमेशा साड़ियाँ पहनती थी ठीक है ना या आप दूसरी चीज बताते हो टू एक्सप्रेस विच लास्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन पास कोई ऐसा एक्शन जो पहले पुराने टाइम में लास्ट किया था ही वर्कड इन अ फिल्म इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब वो उस टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री में काम किया करता था जैसे कुछ एक्टर्स आते हैं कुछ टाइम के लिए काम किया फिर छोड़ दिया तो वो भी क्या हम क्या बोलते हैं वो पहले कुछ टाइम पहले तक फिल्मों में काम किया करता था ठीक है ना मतलब वो एक काम करता था पहले पास्ट में अब नहीं करता बट उसने किया हुआ है फिर टू एक्सप्रेस जो तीसरा है टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट और एक्शन ऐसा कोई पास्ट इवेंट के बारे में बताना या एक्शन के बारे में बताना कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 फोर्टी सेवन इंडिया को फ्रीडम मिली थी 1947 में सबको पता है ठीक है फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस देखो द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द पास्ट कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में प्रोग्रेस में चल रहा था वेन वी रीच होम इट वॉज स्टिल रेनिंग जब हम घर पहुंचे तब भी बारिश हो रही थी शो एन एक्शन ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन इन पास कोई ऐसा एक्शन जो पहले से लाइक बहुत लंबी देर तक चला था पास्ट में पहले टाइम में वेन आई हर शी वॉज थ्रोइंग अवे द गार्बे जब मैंने उसको देखा था ना तो वो कूड़ा फेंक रही थी तब वो फेक रही थी फेंक चुकी नहीं थी फेंक रही थी तब उसने उसे देखा तो ये एक्शन पास्ट में चल रहा था ठीक है फॉर अनफुलफिल्ड प्लान विद वर्ब लाइक होप प्लान कोई ऐसी बातें जैसे हम कहते हैं ना अरे चलो हम कहीं चलेंगे अपने दोस्तों को बोलते हैं अपनी फैमिली को बोलते हैं अरे हम भी घूमने जाएंगे बोलते तो ना आई वॉज प्लानिंग टू गो टू स्विट्जरलैंड मैं प्लान कर रहा था कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा या मैं प्लान कर रहा था कि मैं लाल किले जाऊंगी या जाऊंगा ठीक है ना फिर पास्ट परफेक्ट में वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है द पास परफेक्ट एंस इज यूज इन टू शो एन एक्शन दैट कम्प्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास बिफोर अनदर एक्शन बिगेन कोई ऐसा एक्शन जो पहले ही अभी थोड़े टाइम पहले पास्ट में खत्म हुआ है इससे पहले कि दूसरा कोई काम या एक्शन शुरू हुए द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड मैं मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जो है वहाँ से जा चुकी थी ठीक है टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड डिज़ायर ऑफ द पास्ट ऐसी कोई बात है जो आप फुलफिल नहीं कर पाए आई विश आई हैड लिसन टू माई टीचर सजेशन ऐसा मतलब काश मैं अपनी टीचर की बात मान लेता जो जनरली आजकल के बच्चे बहुत सोचते हैं क्योंकि वो पहले टीचर्स की बात नहीं सुनते फिर वो उन्हें वो प्रॉब्लम होती है एग्जाम टाइम में या पढ़ाई के टाइम पे अब फिर वो सोचते हैं रिग्रेट करते हैं कि अरे मैं काश अपनी टीचर की बात सुन ही लेता ठीक है टू एक्सप्रेस इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ द पास्ट कोई ऐसी इंपॉसिबल मतलब जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसके बारे में बताना इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट अब तुम कुछ नहीं कर सकते पर बोलते हैं ना अगर तुमने तब मेहनत करी होती ना तो तुम पास हो गए होते बट अब नाउ यू कैन नॉट हेल्प दैट थिंग बिकॉज इट हैज़ बीन इन पास्ट ठीक है ना ऐसी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का कहाँ यूज होता है फॉर अ रिपीटेड एक्शन इन पास्ट ऐसा कोई एक्शन जो रिपीट होता रहा है पास्ट में शी हैड बीन ट्राइंग टू मीट द प्रिंसिपल वो कोशिश करती रही है कि वो प्रिंसिपल से मिल पाए ही हैड बीन ट्राइंग टू solve द पज़ल वो कोशिश करता रहे कि वो पजल सॉल्व कर दे ठीक है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन बिफोर अ सर्टन टाइम इन पास्ट एंड कॉन्टीड अप टू द टाइम और स्टॉप जस्ट बिफोर इट कोई ऐसा एक्शन जो थोड़े टाइम पहले पास में शुरू हुआ था और कॉन्टिन्यू होता रहा है तब तक मतलब बिल्कुल उस टाइम से ज़रा सा पहले ठीक है ना मतलब जैसे आप इस बारे में बात करो उससे जस्ट एक दो मिनट पहले ये बात हुई है द बेबी हैड बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग वेन द मदर अटेंडेड टू हर ठीक है ना मतलब बच्चा रोए जा रहा था जब तक उसकी माँ ने उसको पकड़ा या अटेंड अटेंड मतलब गोदी वगैरह नहीं लिया अब देखो एक्सरसाइज ठीक है ना फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से भरना है हमें ये वर्ब दिया हुआ है और उसकी फॉर्म देखनी है आई ड्राइव वेन द एक्सीडेंट हैपन तो क्या क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों हम लिखेंगे आई वॉज ड्राइविंग क्या लिखेंगे आई वॉज ड्राइविंग वेन द एक्सीडेंट हैपन्ड क्या आएगा वेन द एक्सीडेंट हैपन्ड यहां पे ये वर्ब की ये आपके प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है मैं अगेन ये मैं तुम्हारे चार कराऊंगी बाकी के आपको खुद करने होमवर्क में होम डैश यू डैश मीट लास्ट नाइट ठीक है तो यहां पे आप देख रहे हो ये कौन सा सेंटेंस दिख रहा है क्वेश्चन मार्क है नॉट नहीं है तो ये आपका पास्ट इंटरोगेटिव है जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली थी फर्स्ट फॉर्म तो हुम डिड यू मीट ठीक है ना डिड के साथ ना बच्चों जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है हुम डिड यू मीट लास्ट नाइट द टीचर डैश ड्रॉ अ मैप ऑन द ब्लैक बोर्ड जस्ट नाउ मतलब जो टीचर है उसने अभी अभी मैप जो है बनाया है ब्लैक बोर्ड पे अभी अभी जस्ट नाउ ठीक है ना तो इसमें हम क्या बोलेंगे यहाँ पे आपका आएगा द टीचर हैड ड्रॉन अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है हमने पढ़ा था पास परफेक्ट में हम वो यूज करते हैं जो बिल्कुल अभी अभी थोड़ी देर पहले ही चीज कंप्लीट हुई है देखो टू शो एन एक्शन विच हैज़ कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास बिफोर अनदर एक्शन बिगेन ठीक है ना तो टीचर हैड ड्रॉन अ मैप ऑन द ब्लैक बोर्ड जस्ट नाउ उन्होंने अभी अभी बना के खत्म किया है द काइट डैश हाई इन द स्काई द काइट सोचो द काइट वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई ठीक है ना ऐसे बाकी सारे आप खुद करोगे ठीक हाँ, है हाँ सोलह हैं मैंने चार करवाए हैं बाकी के सारे के सारे आपको खुद करने हैं बारह एंड विल बी एबल टू डू इट प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से तो सारे कर लेना आप फ्यूचर टेंस पे आओ फ्यूचर टेंस में देखो फ्यूचर टेंस में हमारा पहले तो हम अगेन हम जाएंगे टेबल देखेंगे टेबल से हमें आसानी होती है वो चार्ट बहुत यूज़फुल है विल गो एंड विल लुक फॉर द टेबल अब देखो जो सिंपल फ्यूचर है उसमें क्या है सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शैल विल प्लस सब्जेक्ट इंटरोगेटिव में शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर क्वेश्चन मार्क फिर हमारा नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर क्वेश्चन मार्क आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सब प्लस शैल विल बी बी भी आएगा प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी शैल विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी सब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट बी प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जीजेक्ट शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड क्वेश्चन मार्क देन फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म शैल विल प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म यहाँ वर्क की थर्ड फॉर्म ही यूज हो रही है एक्सेप्ट uh, यहाँ हाँ यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा वर्क की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है देखो अब नेगेटिव नेगेटिव पे आओ सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस सिंस और फॉर ठीक है इंटेरोगेटिव शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस सिंस फॉर और क्वेश्चन मार्क सिंस फॉर यहाँ भी आ रहा है देखो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एनजी प्लस सिंस फॉर ठीक है और क्वेश्चन मार्क अगैन क्योंकि इट्स ये इंटेरोगेटिव है शेल विल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वी आई एन जी प्लस नॉट सिंस प्लस सिंस फॉर और ये यहां ना बच्चों क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा इधर ये गलत दिया हुआ है इन्होंने ये वाला जो दिया ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका क्वेश्चन मार्क नहीं आता है ये क्योंकि इंटेरोगेटिव नहीं है सिर्फ नेगेटिव है इन दोनों में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा तो इसको देख के एलिमिनेट कर देना यहाँ से ठीक है ना अब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे देन वील मूव टूवर्ड्स इट्स एक्सरसाइज वेट तो फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस हमारा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज येट टू टेक प्लेस विद और विदाउट अ टाइम एक्सप्रेशन कोई ऐसा एक्शन जो अभी फ्यूचर में होने वाला है जिसका टाइम का अंदाज़ा हमें है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता आई शैल कम टू मैं कल आऊंगा ही विल कलेक्ट द स्टेम्स वो स्टेम्स कलेक्ट करेगा टू डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ सम एक्शन किसी चीज़ का रिजल्ट बताना इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल अगर तुम ऐसा नहीं करोगे मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे ये तुम अभी बता रहे हो वो फेल हुआ नहीं है बट वो फेल हो जाएगा तुम ये फ्यूचर की बात बता रहे हो शैल इज यूज विथ फर्स्ट पर्सन आई वी आई वी के साथ आप हमेशा शैल यूज करते हो विल जो है हमेशा सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ यूज किया जाता है यू ही शी इट दे के साथ ठीक है ना विल विद द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेशन विल जो होता है ना वो पहले पर्सन के साथ इंटेंशन वगैरह प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन बताता है अगर हम उसको यूज करते हैं जैसे आई विल हेल्प यू एक प्रोमिस हो गया वी विल सर्व आर कंट्री डेटर्मिनेशन हो गई वी विल वेट फॉर यू एक इंटेंशन है कि हम तुम्हारे लिए वेट कर लेंगे शैल जो है जब भी मतलब वैसे तो जनरली शैल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता था लेकिन जब शैल सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होता है तो वो उससे भी प्रोमिस ड्यूटी थ्रेट या कमांड का पता चलता है यू शैल फिनिश योर वर्क बाय टूमोरो ये आपकी कमांड दे रहा है कोई टीचर आपको कि कल तक तुम्हारा काम हो जाना चाहिए ड्यूटी दे शैल मूव फॉरवर्ड एनी हाउ ड्यूटी आर्मी वाले हैं कहीं जगह पे फंसे हुए तो उनको आगे बढ़ना ही पड़ेगा ही शैल बी पनिश एक ये वार्निंग है या थ्रेटिंग है कि मैं तुम्हें कल पनिश करूंगा या उसको पनिशमेंट दी जाएगी इंपॉर्टेंट हाउ हेवर इन मॉडर्न यूसेज विल इज यूज इन ऑल पर्सन मॉडर्न यूज में ना अब ऐसा कुछ नहीं होता अब आप विल वैसे जनरली यूज कर लेते हो अगर आप कर भी लोगे तो वो गलत नहीं माना जा सकता ठीक है ना शैल वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना ठीक है अदरवाइज़ इन जनरल टर्म्स अब तो आप कुछ भी यूज़ कर लेते हो बट विल जो है जनरली हम हमेशा ज़्यादातर यू ही शी है ना यू ही शी इट दे इन सब के साथ यूज़ करते थे और शैल को हम जनरली यूज़ करते थे आय और वी के साथ ठीक है ना ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखना फ्यूचर कॉन्टीन्यूस जो है वो टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट गिवन टाइम इन फ्यूचर कोई ऐसी बात बताना जो फ्यूचर में प्रोग्रेस में होगी कोई काम जैसे कि एट दिस टाइम टुमारो वी विल बी गोइंग टू दिल्ली मतलब हमें पता है कि कल इस टाइम पे तुम कहीं घूमने गए हो और तुम्हें पता है कि कल हमारी ट्रिप का लास्ट डे है तो जी कल तो हम इस टाइम पे मतलब बारह बजे के राउंड हम अपनी ट्रि वापिस दिल्ली में होंगे हम घुस गए होंगे दिल्ली की तरफ ट्रैवल कर रहे होंगे या फिर इंटेरोगेटिव की टू एक्सप्रेस अ पोलाइट क्वेश्चन बहुत पोलाइटली क्वेश्चन पूछगा विल यू बाइंग द इज गिफ्ट टूडे क्या तुम ये जो प्रेजेंट्स हैं या गिफ्ट हैं आज ही खरीदने वाले हो ठीक है ना तो इसके लिए आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है टेंस वो यूज होता है फिर आप देखोगे फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कहाँ यूज हो रहा है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कम्पलीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर इट इज ऑलवेज यूज टाइम एक्सप्रेशन बाय देन बाय दैट टाइम इसमें हमेशा ना टाइम एक्सप्रेशन का यूज होगा और एक ये ऐसा एक्शन बताने के लिए करते हैं कि फ्यूचर में जो है ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी जैसे कि आई शैल हैव फिनिश दिस पेंटिंग बाय टुमारो टुमारो मैं कल तक इस पेंटिंग को जिसको मैं बना रहा हूँ वो कल मैं कल तक इसको ख़त्म करके रख दूंगा तो कल ख़त्म हो रहा है आज नहीं लेकिन ख़त्म हो जाएगा और कल तक होगा ये भी टाइम बता रहा है तो इस वजह से ठीक है बाय आ गया ना बाय टुमारो तो ये बाय भी थोड़ा याद रखना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है जो काम जो है वो प्रोग्रेस में है ओवर अ पीरियड काफ़ी टाइम से प्रोग्रेस में और फ्यूचर में नियर फ्यूचर में ख़त्म होगा जैसे कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक शी विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द डांस शो फॉर थ्री मंथ्स शी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग मतलब इस हफ्ते के एंड तक ये लड़की जो है ये पिछले तीन महीनों से एक डांस प्रैक्टिस कर रही है वो कम्प्लीट हो जाएगा मतलब वो लड़की को इस हफ़्ते एंड में तीन सा तीन महीने हो जाएंगे डांस प्रैक्टिस करते हुए अब हम एक्सरसाइज देखेंगे दो क्वेश्चन आई थिंक हमारे पास कितने हैं तीन क्वेश्चन तीन चार क्वेश्चन हैं इसके देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स फ्यूचर टेंस के फॉर्म के वर्ब्स के साथ हम यूज़ करना है तीन करूँ बच्चों में आई डैश ज्वाइन स्विमिंग क्लास नेक्स्ट वीक सिंपल फ्यूचर टेंस में करना है तो हम क्या डालेंगे आय I... ठीक है ना वैसे तो हम आई वी के साथ शैल यूज करते हैं बट मैंने लास्ट में बोला था कि अब तुम आई विल भी यूज कर सकते हो तो आई विल ज्वाइन द स्विमिंग क्लास नेक्स्ट वीक शी डैश मेक द नेसेसरी प्रिपरेशन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस शी विल बी मेकिंग द नेसेसरी प्रिपरेशन शी विल बी बी आता है ना मेकिंग द नेसेसरी प्रिपरेशन वी डैश मेक द अर्थ अ बेटर प्लेस टू लिव इन सिंपल फ्यूजर टर्स वी विल या वी शैल भी लिख सकते हो वी विल मेक द अर्थ अ बेटर प्लेस टू लिव इन इट ठीक है ना बाकी आपको खुद करने फिर फिलिंग द ब्लैक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स अ कल्चरल क्लब डैश ऑर्गेनाइजेज अ डांस फेस्टिवल टू अ कल्चरल क्लब तो अ कल्चरल क्लब विल ऑर्गेनाइज अ डांस फेस्टिवल टू सेलिब्रेट सिंपल आएगा विल ऑर्गेनाइज अ डांस फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द कलरफुल होली फेस्टिवल अबाउट सिक्सटीन ग्रुप्स विल बी परफॉर्मिंग विल बी परफॉर्मिंग ठीक है ना इतना मैंने बता दिया इसके लास्ट के दो आपको खुद करने हैं और ये अच्छा नहीं विल बी परफॉर्मिंग Their dance in colourful costumes and majestic backgrounds. Everyone present there will enjoy will enjoy and every performance yeah, will enjoy the will enjoy. will enjoy the each and every performance. The chief guest dash the best dance group. The chief guest will give award will द चीफ गेस्ट विल अवॉर्ड द बेस्ट डांस ग्रुप ठीक है ना ये एक मैंने करवाया है वैसे तुम्हें बाकी के दोनों करने हैं होमवर्क में फिर रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसिस बाई चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द टेंस अकॉर्डिंग टू द हिंडस इनको चेंज करना है द प्रीस कंडक्ट्स द होली प्रेयर्स डेली इन द टेम्पल सिंपल पास में चेंज करना है हमें तो इसमें आ जाएगा द प्रीस्ट कंडक्टिड क्या आएगा कंडक्टिड द होली प्रेयर्स डेली इन द टेम्पल ठीक है शी चेंज्ड हर लुक्स पास परफेक्ट में करना है हमें तो इसमें आएगा बच्चों शी हैड चेंज्ड हर लुक्स ठीक है थर्ड चिल्ड्रन हैव प्रोमिज टू मेंट देयर वेज हैव कट का हो जाएगा चिल्ड्रन प्रमिस्ड टू मेंट देयर वेज ऐसे होएगा ठीक है बाकी के आपको खुद करने हैं एंड दिस वन क्वेश्चन उसके बाद वी आर डन ट्रांसफॉम ईच द फॉलोइंग सेंटेंसिंग टू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म शीश टू डैट द विंडो ठीक है ना तो ये क्या है तुम्हें क्या लगता है शी स्टूड एट द विंडो कौन सा हमारा वो है ये हमारा पास्ट सिंपल पास्ट है शी स्टूड एट द विंडो तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे तो हमें इसे पहले नॉर्मल इंटेरोगेटिव में करना है तो हम लिख देंगे वर्ब की थर, जो ये फॉर्म है सेकेंड फॉर्म है फर्स्ट में चेंज हो जाएगी डिड आएगा डिड शी स्टैंड ऐट द विंडो ठीक है अकॉर्डिंग टू द फार्मूलाज इसलिए मैंने बोला था फार्मूलाज याद रखना ठीक है डिड शी स्टैंड ऐट द विंडो और नेगेटिव के लिए शी डिड नाट स्टैंड डिड मैंने बताया था उसके साथ भी वर्क की फर्स्ट फॉर्म तो शी डिड नाट स्टैंड ऐट दी विंडो ठीक है ना और जगलर अम्यूज द क्राउड ठीक है ना तो जगलर अम्यूज द क्राउड को हमें इंटरोगेटिव में करना है तो डिड जगलर अम्यूज़ द क्राउड क्वेश्चन मार्क फिर जगलर डिड नॉट अम्यूज़ द क्राउड ठीक है ऐसे बाकी सारे आपको खुद करने हैं और ये चैप्टर तुम्हारा खत्म है इसके बाद यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग देन ठीक है इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना एक बार वो चार्ट अच्छे से पढ़ लेना थोड़े से ये जो मैंने होमवर्क दिए बाकी सारे वो होमवर्क कर लेना यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स ठीक है थैंक यू